हेलो गाइस वेलकम टू एजुगिरी आई होप वल्फेयर डूइंग ग्रेट वल्फेर फाइन एंड सेफ अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो तो यहाँ पर दो हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज सिक्स ओ क्लॉक ठीक है एंड बाय द एंड ऑफ इट आपके नोट्स भी बन जाते हैं राइट दो सिक्स पी पर होता है ये एनालाइसिस एंड um, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस द शेयर ऑफ दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन अमंग द अनइम्प्लॉयड जो जो पढ़े हुए हैं जिन्होंने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ली हुई है वो डबल हो गया है फ्रॉम थर्टी फाइव पॉइंट टू परसेंट इन टू थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू अकॉर्डिंग टू वॉट अकॉर्डिंग टू इंडिया इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अब जब भी वी रीड अबाउट रिपोर्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो रिपोर्ट कौन लेकर आया है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले रिपोर्ट कौन लेकर आया है तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है ना रिलीज बाय किसने रिलीज release करी रिलीज बाय किसने रिलीज करी फर्स्ट पॉइंट बनेगा रिलीज्ड बाय रिलीज बाय अब कौन सा कलर यूज करें ये यूज कर लेते हैं रिलीज बाय रिलीज बाय रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यस yes? यस yes, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है कि आई की फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवेलपमेंट तो ये दोनों की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं ये दोनों कि भाई पढ़े लिखे अनएंप्लॉयड लोग मतलब पढ़े हुए हैं बट फिर भी अनएम्प्लॉयड है वो बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर ठीक है ना तो क्या लिख रहे हैं शेयर ऑफ दोज शेयर ऑफ दोज विध शेयर ऑफ दोज विद सेकेंडरी विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन एजुकेशन अमंग अनएम्प्लॉयड यूथ डबल्ड अब इसके अंदर एक और चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि एजुकेटेड लोग भी बढ़ गए ठीक है ये भी देखना होगा कि क्या एजुकेटेड लोग बढ़ गए ठीक है ना अगर वो ये हमें नहीं बताया हुआ है अभी बट हमें ये भी ध्यान में रखना है थर्टी फाइव पॉइंट टू परसेंट इन टू थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट इन 2022 इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एजुकेटेड लोग जो है वो इंडिया में बढ़ गए ठीक है अब इसके बाद द रिपोर्ट्स इज यंगस्टर्स अकाउंट फॉर 83 थ्री परसेंट ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्क वर्क फोर्स लेकिन ना यंगस्टर्स कितने एटी थ्री परसेंट ऑफ यंगस्टर्स अकाउंट यंगस्टर्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट एटी थ्री परसेंट ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयड ठीक है ना तो 83 परसेंट जो है यंगस्टर्स ही हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं ठीक है थीके? उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें अन अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ इज इंक्रीज बिटवीन 2000 एंड 2019 नाइनटीन द स्टडी रिलीज बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अब ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है तो यहाँ पे लिखेंगे चीफ इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ठीक है ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज वी अनंथा ठीक है ना वी अनंथा इज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है जी तो यहां पर हमें ये पता चलता है कि इंप्लॉयमेंट इंडियन इंडिया इंप्लॉयमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन लेकर आया किस कौन किसने बनाई ये बनाई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आई एल ओ की हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने भी ये रिपोर्ट बनाई है ठीक है ना हमें पता चला कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जिनके पास है वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बढ़ गया है एज कंपेयर टू 2000 ये हमारी फिगर्स हैं फिगर्स अगर याद कर सकते हो तो कर लेना बहुत ही बढ़िया रहेगा ठीक है ना और 83 परसेंट ऑफ कंट्रीज जो ऑलमोस्ट एटी परसेंट जो यंगस्टर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं ये भी पता चला है ठीक है उसके बाद और क्या पता चलता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है वी अनंथा ठीक है आगे चलेंगे सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना इंडिया ज्वाइंट रेज टू माइंड सी पैच तो इंडिया जो है आ, देखो यार जो सी होता है ना सी ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर ठीक है ना जो सी होता है ठीक है ना उसके अंदर बहुत सारी ओशन सी जो होता है जो बेड होता है सी बेड ओशन बेड जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स किसको नहीं चाहिए ठीक है ना किसको नहीं चाहिए तो इसीलिए चाइना जो है चाइना कर रहा है वहाँ पर यू you नो know, निकाल रहा है माइनिंग कर रहा है तो इंडिया ने भी वो रेस ज्वाइन कर लिया है तो गैम्बिट इन अ स्ट्रैटेजिक क्या कह रहे हैं अ गैम्बिट इन स्ट्रैटेजिक मूव ऑफन इन चेस बट ऑल्सो इन अब ये तो वो कैबर्ड था सॉरी अर्लियर दिस मंथ इंडिया अप्लाई टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमाइका फॉर राइट्स टू एक्सप्लोर टू वास्ट ट्रैक्स इन द इंडियन ओशन सी बेड दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स रिजेक्शन तो हमने जमाइका से परमिशन ली कि भैया हमको क्या करना है हमको सामान निकालना है तुम्हारे यहाँ से राइट तो यहाँ पर चाइना जो है चाइना ऑलरेडी वहां पर जो है माइनिंग uh, कर रहा है तो इंडिया ने भी अप्लाई कर दिया ठीक है द एप्लीकेशन द एप्लीकेशन टू एक्सप्लोर वन ऑफ दीज रीजन्स लॉन्ग नोन एज द नेसी निकितन सी माउंट सी माउंट इज अ गैम्बिट बाय इंडिया ठीक है गैम्बिट का मतलब होता है इज अ स्ट्रैटेजिक मूव वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक मूव क्या है कि चाइना वहां पर कर रहा है तो इंडिया ने कहा मैं भी रहूंगा ठीक है राइट टू द रीजन हैव ऑलरेडी बीन क्लेम्ड बाय श्रीलंका श्रीलंका क्लेम कर रहा है उस रीजन पे राइट्स ठीक है Chinese vessels undertaking reconnaissance in the same region, a highly placed official who declined to be identified. The AN N Mount is a structural feature, 400 km long one in the central Indian Basin, located about 3,000 km off India's coast. From an oceanic depth, it rises. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये जो एरिया है ना AN Mount, ठीक है C Mount, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि कोबाल्ट, जैसे कि निकल, जैसे कि मैग्नीस, जैसे कि कॉपर. तो क्या तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हो र वहां पे पहुंच चुका है तो सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना सेंसिंग ऐसे ही लिखेंगे सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना इंडिया ज्वाइंट इंडिया ज्वाइंट दर इज दर इज टू माइन टू माइन सी पैच ठीक है ना अब ये सी पैच कौन से वाला है जो हम डिस्कस करेंगे अभी ये वाला ए एंड सी माउंट वाला ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा सबसे पहला पॉइंट बेटा जी यहां पर बनेगा इंडिया अप्लाइड इंडिया अप्लाइड अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ये कौन सी होती है आई एस बी ए जमाइका ठीक है ना यहां पर अप्लाई किया ठीक है फॉर राइट फॉर राइट्स टू एक्सप्लोर राइट टू एक्सप्लोर टू वास्ट ट्रैक्स इन द इंडियन ओशन अब इंडियन ओशन तो है बट वो इंडिया की जुरिस्टिक्शन में नहीं आता इंडिया की जुरिस्टिक्शन मतलब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है तभी तो हमने जमाइका से परमिशन ली अगर हमारा होता तो हम क्यों लेते ठीक है ना तो आ, तो उसको क्या कहते हैं नोन एस नोन एस ओशन नोनेस ये एरिया को क्या बोला जाता है अफानसी क्या बोला जाता है इस एरिया को बोला जाता है अफानस अफानसी ठीक है अफानसी निकितन निकितन ठीक है निकी का टिन ठीक है सी माउंट और शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है ए एंड सी माउंट ठीक है ना तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई इंडिया ने जमाइका में कौन से एरिया में एक्सप्लोर करने की एप्लीकेशन दी ये वाले एरिया में ठीक है ये वाले एरिया में ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है ये इंपॉर्टेंट है जमा का ये एरिया ये इंपॉर्टेंट है किसको अप्लाई किया वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है वो कम चांसेस आने के बट याद कर लोगे तो सही रहेगा ठीक है ना तो ये ए एन सी अमाउंट क्या है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट बनेगा जो ए एन सी एमाउंट ये सेकेंड पॉइंट बना जो थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा ए एन सी सी अमाउंट इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ए एन सी अमाउंट इज अ स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चरल फीचर 400 किलोमीटर लॉन्ग 400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 किलोमीटर वाइड 150 किलोमीटर वाइड इन सेंट्रल इंडिया बेसिन ठीक है और ये लोकेटेड 3000 किलोमीटर लोकेटेड 3000 किलोमीटर ऑफ इंडिया ऑफ इंडियाज कोस्ट ठीक है ना हैज ज रिच इन ये इंपॉर्टेंट है किसमें रिच है इज रिट इन रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ कोबाल्टिल मैगनीज एंड कॉपर ठीक है ना तो यहां पर बेटा जी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं माफ कर देती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज में रिच है कितनी दूर है ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना थ्री थाउजेंड किलोमीटर दूर है क्या नाम है इसका ठीक है ना अफेंसी निकीतिन अफेंसी निकी का टिन अफेंसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से याद कर सकते हो ठीक है कहां पर है जमाइका के टेरिटोरी में आता है दैट इज वॉट इज कि चाइना ऑलरेडी और हमने क्यों अप्लाई किया चाइना ऑलरेडी वहां पर कर रहा था टाइटल में है ये उसके बाद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग 2024 प्रोग्राम ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे इन दिस कनेक्शन इसरो सॉलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट स्टार्ट 2024 इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस विद इन इंडिया हु आर ऑफरिंग यू जी एंड पी जी कोर्सेज इन फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां पर ये कोर्सेस uh, जो हैं ये ये जाकर ये करें आ, इव, आ, इसरो कंडक्ट करेगा तो यहां पर क्या है इंडियन स्पे इंडियन स्पेस रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो विल कंडक्ट इसरो विल कंडक्ट स्पेस साइंस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग दैट इज स्टार्ट ठीक है ना अब इसके अंदर क्या करेंगे ठीक है कहाँ पर होस्ट करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूश इंस्टीट्यूशन्स हैविंग यू जी एंड पी जी कोर्सेज इन फिजिकल फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि स्टार्ट जो है स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग कौन इसको कंडक्ट करेगा इसरो कंडक्ट करेगा कहां पर ये कंडक्ट होगी जिन कॉलेजेस के अंदर कौन से कोर्सेज हैं फिजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का कोर्स है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स टू द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स to attract youngsters to the field of to the field of स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको उनको ट्रेनिंग देना तो उनको किसी को पसंद आ जाए तो वो ट्रेनिंग देना कि अगर कोई इंटरेस्टेड है इसके अंदर तो भाई उनका इंटरेस्ट जगाना बेसिकली द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विल बी कंप्राइज इंट्रोडक्ट्री लेवल टॉपिक्स ऑन वेरियस वर्टिकल स्पेस एंड साइंस एंड ठीक है इंट्रोडक्टरी ट्रेवल्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है अगर मुझे इसको याद करना और मैं याद करने वाले नोट्स बना रही तो मैं क्या बनाऊंगी इसरो स्टार्ट स्टार्ट की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म याद करने के लिए हमेशा ना एक एब्रीवेशन को ऐसे लिख लो तो ये क्या है स्पेस साइंस है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट क्या है स्टार्ट ही है ना ये मैं Space, Science, मैंने गलत लिख दिया स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स मैंने गलत लिख दिया स्पेस साइंस नहीं 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 स्पेस साइंस स्पेस और साइंस इकट्ठा आ गया ठीक है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस का ये इकट्ठा कर दिया इन्होंने ट्रेनिंग ठीक है ना तो ऐसे अगर याद करोगे तो भाई हो ही नहीं सकता कि भूल जाओ आगे चलेंगे फाइव एंड हाफ मंथ्स आफ्टर इसराइल्स असॉल्ट इन गाजा तो यहाँ पर याद तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमास और इसराइल की जो लड़ाई है वो लगी कैसे तो यहाँ पर इसराइल के ऊपर अटैक हुआ हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है ठीक है ना इस टेररिस्ट ग्रुप ने क्या किया टेररिस्ट अटैक किया क्या, क्या? किया टेररिस्ट अटैक किया किसके ऊपर इसराइल के ऊपर कब गया 2023 में जब इसराइल पे 2023 में अटैक किया इसराइल ने डिक्लेयर कर दी वॉर कहाँ पर किसके ऊपर हमास के ऊपर अब जो हमास है वो कौन से एरिया पे रूल करता है गाजा पे तो वॉर जो है वो गाजा में चल रही है ठीक है ना 90 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन डिप्लेस होगी गाजा वालों को इधर उधर जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही है तो अब क्या हुआ हमने कल भी पढ़ा था कि यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन है यू एन में पे रेजोल्यूशन है यूनाइटेड सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल फॉर एन इमिजिएट सीज फायर एंड रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस बाय हमास ये लिखेंगे बड़ा ही जरूरी है ठीक है ना क्या कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड फॉर कॉल्ड फॉर एंड इमिजिएट कॉल्ड फॉर एंड इमिजिएट सीज फायर सीज फायर का क्या मतलब होता है कमेंट्स में बता दो फटाफट फड़ से सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फायरिंग स्टॉप फायरिंग स्टॉप फाइटिंग ठीक है ना तो सीज फायर हो जाएगा तो फाइट स्टॉप हो जाएगी ठीक है ना सीज फायर कहाँ पे सीज फायर सीज फायर एंड रिलीज ऑफ एंड रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस होस्टेजेस हेल्ड बाय हमास अब यार यहाँ पे ना ये समझने वाली बात है लिखना है तो लिख लेना मर्जी है तुम्हारी जो तुम्हें करना है तो क्या हुआ सबसे पहले हमास ने इसराइल पे अटैक किया ठीक है ना टेररिस्ट अटैक हुआ अब टेररिस्ट अटैक के अंदर इन लोगों ने क्या किया ये लोग होस्टेजेस बना के ले गए टुक इसराइलीज एज होस्टेज मारे भी बहुत बट एज होस्टेज होस्टेज मतलब बंधक बना के ले गए और बहुत सारे लोग अभी भी हमास के पास ही हैं गाजा, है। तो गाजा के अंदर तो अब गाजा के अंदर क्या हो रही है वॉर चल रही है यहां पर और इसराइल के होस्टेजेस जो लोग हैं इसराइली वो होस्टेजे बंधक बने हुए हैं तो यूएन सिक्योरिटी यूएनएससी ने क्या कहा कि आप इमीडिएटली स्टॉप फायरिंग करो गाजा के अंदर और जो हमास ने बंधक बनाया हुए, वो भी रिलीज करने को बोला और इसके अंदर USA, जो इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट विच वीटोड ये लिखेंगे विच हैजोड विच वीटोड Every UN resolution which has vetoed every UN uh, resolution earlier okay, called for a ceasefire in Gaza did not abstain this time. Abstained this time signaling, signaling change in policy, signaling, signaling change in policy. अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है देखो ये कॉन्सेप्ट है हमेशा इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए के जो रिलेशन है वो बहुत बहुत क्लोज रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा इसराइल की साइड ली है बट आज आज यहाँ पे जो ये रेजोल्यूशन आई उसके अंदर यूएन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया वीटो क्या है कि अगर मना कर देते तो खत्म था पर यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं यूज़ किया अब इससे क्या हुआ इससे जो वहाँ के बेंजामिन नेतायाहू हैं वो गुस्सा हो गए ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएम ऑफ इजराइल पी एम ऑफ इरेल यहाँ पर हम लिखेंगे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ एन एस सी इंक्लूडिंग ब्रिटेन विच अंटिल रिसेंटली हैड रेजिस्टेड कॉल्स टू बैक अ सीफाइव वोटेड फॉर रेजोल्यूशन इसरेल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली कैंसिलिंग अ प्लैंड विजिट ऑफ टू ऑफ पी एम बेंजेबिनटायूस क्लोज ठीक है तो यहाँ पर इसरेल जो था वो खुश नहीं था ज्यादा इस चीज से तो यहाँ पर यू एन ने अपना वीटो पावर नहीं यूज किया अपस्टेन कर दिया और ब्रिटेन वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन ब्रिटेन वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन जो अभी तक कह रहा था सीज फायर के बारे में नहीं बात कर रहा था ब्रिटेन आज उसने सीज फायर की बात कर दी मतलब इसराइल के अगेंस्ट बात कर दी आगे चलेंगे एट कोप ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट टॉक्स इन ग्लासगो इन नवंबर ट्वेंटी वन इंडिया प्लेज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय ट्वेंटी थर्टी नेट जीरो का मतलब क्या होता है कभी तुमने सोचा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो नेट जीरो का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन होगा अगर कोई भी चीज़ कुछ भी जो पॉल्यूशन आज करती है तो वो करेगी नहीं या तो उसका फ्यूल ऐसा होगा कि पॉल्यूट करेगी नहीं और अगर पॉल्यूशन है ना तो उसका कुछ होगा सिस्टम या तो ऑब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज लगेंगे या कुछ सिस्टम होगा कि इन्वायरमेंट से उस पॉल्यूशन को लेकर के खत्म किया जाएगा इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं होगा क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है वो नहीं होगा तो इंडिया ने कब कहा इंडिया ने यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात हो रही है इस टॉपिक में इस आर्टिकल में तो सबसे पहले क्या बात कह रहे हैं कि कोप ट्वेंटी सिक्स जो कि ग्लासगो में हुई थी कोप ट्वेंटी सिक्स क्या है किसी को पता वॉट इज कोप ट्वेंटी सिक्स सबसे पहले तो हम कोप की बात करते हैं कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है क्लाइमेट एनुअल मीटिंग ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज किस पे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं किस पे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं ठीक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्लाइमेट चेंज पे कैसे इसको रोका जाए जो कोप 26 है वो ट्वेंटी सिक्स एडिशन है ट्वेंटी सिक्स एडिशन कहाँ पे हुआ ग्लासगो में ठीक है ग्लासगो में हुआ और यहाँ पर इंडिया ने क्या बोला ट्वेंटी सिक्स एडिशन में इंडिया ने बोला इंडिया प्लेज ये इंपॉर्टेंट है इंडिया टू अचीव अचीव नेट जीरो एमिशंस नेट जीरो एमिशंस बाय ट्वेंटी सेवेंटी तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है इंडिया ने कब तक कहा कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे ट्वेंटी सेवेंटी तक कहा कब तक कहा इंडिया ने कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे ट्वेंटी सेवेंटी तक कहा दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है कि हम नेट जीरो हो जाएंगे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ये क्या बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Ministry of Ministry of New and New and Renewable Energy India had installed India had installed installed renewable energy capacity of one eighty gigawatt. प्लस बाय 2023 2023 तक इतनी लगा चुके हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा जी वो होता है जहां पर ठीक है विंड वाटर सोलर ये नहीं कि पेट्रोल गाड़ी में डाला गाड़ी चली खत्म विंड मिल है बार बार चलेगा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कम पॉल्यूशन करते हैं तो हमने 180 एटी गीगा लगा दिया 2023 में और हमारा एम क्या है 2030 तक हम कितना लगा देंगे 500 हंड्रेड गीगा बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है ना ये हमारा एम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो ब्लैक कार्बन इज द डार्क सूटी मटीरियल इमिटेड अलॉन्ग साइड अदर पॉल्यूटेंट्स वेन बायोमास एंड फॉसिल फ्यूज आर नॉट फुली कंबस्टेड तो ये भी एक पॉल्यूटिंग एजेंट है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रोजेस सेवरल रिस्क ठीक है हार्ट अटैक्स बर्थ कॉम्प्लीकेशन ये सब हो जाता है तो so, इंडिया ने इसी से फाइट करने के लिए क्या लेकर आए प्रधानमंत्री कौन सी लेकर आए प्रधानमंत्री इनमें ट्वेंटी सिक्सटीन तो बायोमास फ्यूल में भी जो घर पे वुड जलाकर रोटी बनाते थे उससे भी पॉल्यूशन होता था और वो बॉडी के लिए भी सही नहीं था तो so, इसीलिए इंडिया क्या लेकर आया सबसे पहले हम यहां पे ब्लैक कार्बन की बात करते हैं ब्लैक कार्बन की बात करते हैं तो ब्लैक कार्बन क्या है ब्लैक कार्बन इज द इज द डार्क सूटी डार्क सूटी मटीरियल एमिटेड एमिटेड अलोंग साइड अदर पोल्यूटेंट्स अदर पोल्यूटेंट्स ठीक है ना वेन बायोमासन फ्यूल आर नॉट फुली कम्बस्टेड मतलब वो काला काला से एक बहुत ही काला धुआं होता है जो पुरानी गाड़ियां भी बहुत छोड़ती हैं वो है ये ठीक है ना और वो घर के उससे भी होता था जो कुकिंग होती थी अब उसके अंदर गवर्नमेंट जो है कौन सी स्कीम लेकर आई कौन सी स्कीम लेकर आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार उज्ज्वला योजना पी एम ठीक है ना पी एम जो है पीएमयूजे जो है ठीक है ये क्या है वुड प्रोवाइड वुड प्रोवाइड फ्री लिक्विफाइड फ्री लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन एल पी जी कनेक्शन कनेक्शन टू हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है ना तो ये कब स्टार्ट हुई 2016 में स्टार्ट हुई और 2024 तक 10 करोड़ हाउस को कनेक्शन प्रोवाइड करे हाउस को कनेक्शन प्रोवाइड करे ठीक है ना तो ये वो कहना चाहते हैं कि यहां से जो वुड फायर से होता था ठीक है उससे भी बहुत ब्लैक कार्बन होता था जो हेल्थ के लिए सही नहीं था तो उसी के लिए ये स्कीम लेकर आए ठीक है थीके? कब ये स्कीम आई ट्वेंटी में अभी तक टेन करोड़ कनेक्शन लगा चुके हैं इसमें क्या एम था वुड प्रोवाइड फ्री लिक्विडाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्री का तो ये हुआ उसके बाद आगे चलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज दैट मिरर्स ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन मेंटल हेल्थ केयर तो ये मेंटल हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं ठीक है ना क्या यूज कर रहे हैं नैचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग एनएलपी ये क्या है ब्रांच ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ठीक है ना ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है ना जो क्या करती है मेंटल हेल्थ केयर में यूज होती है मेंटल हेल्थ केयर में यूज होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग यूज्ड इन मेंटल हेल्थ केयर ऐसी रेजेज कंसर्न ओवर द रिच गैगिंग मीडिया तो मीडिया को रिच जो है वो बोल देते हैं भाई हमारी इस चीज में बात मत करो इस चीज पे द सुप्रीम कोर्ट हैज हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ द एफ्लुएंट गेटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन इंजंक्शन का मतलब क्या होता है रोक देना स्टॉप मीडिया को बोल देते हैं कि तुम ये कवर नहीं करोगे न्यूज़ प्री ट्रायल इंजंक्शन ले लेते हैं फ्रॉम कोर्ट्स अगेंस्ट द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी गैगिंग फ्री स्पीच एंड द पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो गलत है पब्लिक हैज राइट टू इन्फॉर्मेशन बट यहाँ पर ना बहुत ही क्लोज रिलेशन है बिटवीन प्रीवेसी राइट टू प्रीवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू फ्री फ्री स्पीच तो यहाँ पर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट रेड से लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट Highlighted, highlighted. The problem of affluent, affluent, getting pre-trial injunctions. प्री ट्रायल इंजंक्शन भाई मतलब स्टॉप कर देना कि भाई जो भी हो रहा है केस में वो बाहर ना जाए फ्रॉम कोर्ट ये ले, ले लेते हैं प्री ट्रायल एजंक्शन इंजंक्शन कोर्ट अगेंस्ट मीडिया ठीक है ना अगेंस्ट मीडिया ठीक है ना ठीक है तो यहाँ पर इट इज अगेंस्ट फ्री स्पीच दिस इज अगेंस्ट फ्री फ्री स्पीच अगेंस्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक्स राइट टू information information about important issues information about important affairs ठीक है ना तो यहाँ पर कोर्ट कह रहे भाई ये तो गलत है इंफॉर्मेशन ऐसा आप रोक नहीं सकते कि भाई मैं जो हूँ बहुत फेमस हूँ मेरा केस जो है बाहर ना जाए ऐसा गलत है अ थ्री जज बेंच हेडेड बाय थ्री वाई जज एक्स पार्टे इंटरम इंडक्शन ग्रांटेड बाय कोर्ट राजा जन मकैनिकली इस पहले डेथ सेंटेंस टू तो जर्नलिस्टिक स्टोरीज वो कहते हैं जर्नलिस्टिक स्टोरीज को डेथ सेंटेंस सुना देते हैं द तो बेंच ट्रू द स्पॉटलाइट ऑन द फिनोमिना ऑफ स्लैप सूट्स इनको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको स्लैप सूट्स थप्पड़ वाले सूट्स बोलते हैं इनको स्लैप सूट्स क्या कहा जाता है इसको और स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन ठीक है ना अब यहां पे इट इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू रेफर टू लिटिगेशन प्री इनिशिएटेड बाय एंटिटीज दैट वीड इमेंस इकोनॉमिक पावर अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द मीडिया और सिविल सोसायटी प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम नोइंग अबाउट और पार्टिसिपेटिंग इन इंपॉर्टेंट अफेयर्स He cannot stops public from participating in important affairs. ठीक है जी तो दैट इज वॉट इज स्लैप सूट्स दैट इज वॉट इज स्लैप सूट्स ठीक है ना तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो एफ्लुएंट लोग हैं बहुत ही फेमस लोग हैं वो केस फाइल कर देते हैं कि मीडिया हमारा केस ना कवर करे ठीक है ना वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट तो इनको क्या बोला जाता है स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन लिटिगेशन केस फाइल करना जान पूछकर कि पब्लिक जो है उसको हमारी इंफॉर्मेशन ना पता चले तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ये गलत है तो स्लैप जो है ना वो उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं विंड मॉनिटरिंग डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड ऑन बुलेट ट्रेन तो विंड मॉनिटरिंग डिवाइस जो है क्या डिवाइस होगी विंड मॉनिटरिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस विंड विंड मॉनिटरिंग एक मिनट विंड मॉनिटरिंग विंड मॉनिटरिंग डिवाइस इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन बुलेट ट्रेन तो सबसे पहली बुलेट ट्रेन इंडिया की कहाँ पर चल रही है बुलेट ट्रेन रूट कौन सा है इंडिया का मुंबई टू अहमदाबाद कौन सा है मुंबई टू अहमदाबाद ठीक है ना और इसको क्या बोलते हैं एक साइंस का क्वेश्चन भी यहाँ से आ जा आ सकता है वो है विंड स्पीड विंड स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस विंड स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस क्या बोलते हैं इसको नोन एज मोमीटर अनैनो मीटर अनैनोमीटर किस लिए डिजाइंड होता है डिजाइंड डिजाइंड टू प्रोवाइड रियल टाइम रियल टाइम विंड स्पीड डाटा एंड विंड डायरेक्शन तो ये विंड स्पीड डाटा भी देती है कि कितनी स्पीड है विंड की और डायरेक्शन कौन सी है ये भी बताती है अनानोमीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे होता है कि विंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस को क्या बोलते हैं अनानोमीटर ठीक है चलिए बोला ट्रेन का कौन सा रास्ता है पहला मुंबई टू तो अहमदाबाद है उसके बाद आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फॉर्मली रिट्रेट इंडिया स्पोर्ट्स टू फिलिपींस देखो यार यहाँ पर हमको एक बात समझनी है चाइना और फिलिपींस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है बहुत सालों से क्या इशू है चाइना और फिलिपींस का चाइना और फिलिपींस का ये इशू है इनका साउथ चाइना सी से रिलेटेड इशू रहता है कौन से चाइना सी से साउथ चाइना सी अब साउथ चाइना सी का जो टेरिटोरी फिलिपींस के अंडर आता है चाइना उसके ऊपर भी अपना क्लेम ठोकता है कि ये मेरा है तो ये आपस में लड़ रहे हैं इंडिया कहता है हम फिलिपींस के साथ हैं हम सिविलपीन की सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस को हम 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 उसके साथ हैं कि हाँ भाई जो फिलिपींस के अंडर है वो फिलिपींस का ही है ठीक है अब यहाँ पर हम यू एन क्लॉस यू एन क्लॉस क्या होता है यू एन क्लॉस यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड कन्वेंशन यू एन कन्वेंशन यू एन कन्वेंशन सॉरी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पूरा क्या मिलेगा फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी द सी जो सीज का लॉ है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है यू एन क्लॉज में यू एन क्लॉज क्या है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इसकी फुल फॉर्म हमें बताना चाहिए लॉ ऑफ सी से ये डील करता है ठीक है ना तो ये हमने कहा कि हम फिलिपींस के बिल्कुल बिल्कुल साथ है चाइना के साथ तो हमारी बनती नहीं है तो वैसे भी और यहां पे चाइना वैसे भी गलत है तो हम फिलिपींस के साथ खड़े हैं ठीक है आगे चलेंगे एक्टिविस्ट एंड हंगर स्ट्राइक ऑन डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख तो एक्टिविस्ट कौन है एक्टिविस्ट यहां पर है एक्टिविस्ट इज द नेम ऑफ द एक्टिविस्ट इज सोनम बैंगचोक ठीक है तो इन्होंने जो 21 डे के हंगर स्ट्राइक है वो एंड कर दिए दैट हैज बीन एंडेड डिमांड क्या थी तो यहां पर हम लिखेंगे एक्टिविस्ट एंड्स एक्टिविस्ट एंड हंगर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक ठीक है uh, किस चीज में हंगर स्ट्राइक करी थी और किसने करी थी हंगर स्ट्राइक में पहले नाम लिखेंगे सोनम बैंगचुक ठीक है सोनम वैंगचुक और स्ट्राइक क्यों करी थी लद्दाख में स्टेटहुड डिमांडिंग डिमांडेड स्टेटहुड इन लद्दाख स्टेटहुड इन लद्दाख स्टेटहुड तो इन लद्दाख क्यों मांग रहे हैं ठीक है और क्या हुआ जैसे ही देखो जे के अंदर रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 तो यहां पर आर्टिकल जो 370 रिमूव किया गया आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड तो जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी वाज डिक्लेयर्ड यूटी ठीक है अब यूटी क्या होता है व्हाट इज अ यूटी यूटी इज यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया इसको यूनियन टेरिटरी क्या होता है यूनियन टेरिटरी और स्टेट के अंदर क्या अलग होता है तो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है तो इसके अंदर देर इज नो सी नो सी एम कोई सी एम नहीं होता लेजिस्लेचर नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ रहता है तो यहाँ पर वो कहते हैं हमको यूटी नहीं रहना है कौन लद्दाख वाले ठीक है वो स्टेटहुड की डिमांड करें और इसीलिए सोनम वैंगचुक जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो हंगर स्ट्राइक पे थे उनकी 21 डेज की हंगर स्ट्राइक थी कितने डेज की 21 डेज की हंगर स्ट्राइक एंड कर दिया उन्होंने अब ठीक है ना तो यहाँ पर हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि लद्दाख वालों की और भी डिमांड्स थी और क्या डिमांड थी लद्दाख वालों की लद्दाख की डिमांड्स क्या थी देखिए एक तो लिख लेंगे यहाँ पे लद्दाख डिमांड्स लद्दाख की क्या डिमांड थी सबसे पहले लद्दाख की डिमांड थी स्टेटहुड स्टेट हुड का मतलब क्या है कि यूटी है हमको स्टेट चाहिए हमको सीएम हमारा होना चाहिए लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी हमारी खुद की होनी चाहिए ठीक है ना फिर उन्होंने कहा रिजर्वेशन ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिजर्वेशन नहीं प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की हमारी एरिया में ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल्स ही वहाँ पर रहें कोई बाहर का नहीं आ पाए लैंड ना खरीद पाए ऐसा सा प्रोटेक्शन चाहिए शेड्यूल सिक्स में ऐड होना चाहते हैं एडेड टू शेड्यूल सिक्स और रिजर्वेशन भी डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड रिजर्वेशन कोटा इन जॉब्स ठीक है ये इनकी डिमांड है और वन ऑफ द मेजर जो डिमांड है वो क्या है स्टेटहुड ठीक है ना तो यहाँ पर हमको सोनम वैंगचुक का नाम जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है लद्दाख के अंदर ये कर रहे थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट और 21 डेज की इनकी हंगर स्ट्राइक जो है वो बनी उसके बाद सेनेगल वो अप ऑन ट्यूसडे सेनेगल के अंदर न्यू प्रेस, प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट बने हैं तो लिख लेते हैं सेनेगल सेनेगल के प्रेजिडेंट का नाम क्या है सेनेगल के प्रेजिडेंट का नाम है सेनेगल के प्रेजिडेंट का नाम है सेनेगल के प्रेसिडेंट का नाम है बासुरी बासी है ना बासी सब्जी खाते हो हिंदी में बासी बताए किसको बोलते हैं पुराना बासी रू ठीक है ना रोया पति को बासी रोटी खिला दी दियो माए ठीक है ना बासी मत दियो माए ठीक है बासी मत, मत दे माई फाई माई फाई तो ऐसी याद हो जाएगा बासी याद होगा रो से रो याद होगा दियो से दियो याद होगा ठीक है ना तो ये है सेनेगल के प्रेसिडेंट बस हमको ये याद रखना है चाइना हैज लॉस्ट अ कंप्लेंट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये लिखेंगे चाइना हैज अ कंप्लेंट विद डब्ल्यू टी ओ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन over over subsidies provided by US for its पहले लिख लेंगे फिर मैं समझाऊंगी its new energy vehicle sector तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर तो चाइना ने कंप्लेंट फाइल करी है किसके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों सब्सिडीज क्या होता है हेल्प प्रोवाइड करना कुछ सस्ता कर देना ठीक है हेल्प प्रोवाइड करना यूएस प्रोवाइड कर रहा है न्यू एनर्जी व्हीकल सेक्टर के लिए न्यू एनर्जी वहीकल सेक्टर पे सोलर यूज कर रहे हैं ठीक है हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं उसके अंदर ठीक है ना बीजिंग said, चाएना से चाइना से चाइना सेड अनफेयर कॉम्पिटिशन चाइना सेज चाइना सेज इट लीड्स टू इट लीड्स टू अनफेयर अनफेयर कॉम्पिटिशन वो कहते हैं कॉम्पिटिशन अनफेयर कॉम्पिटिशन होता है अब इसमें एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है ना यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम तो एग्जाम्पल क्या होगी मान लो यूएसए है ठीक है यूएसए है अब यूएसए के अंदर कार बन रही है एक ठीक है ना हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेंगे वो हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हुए कार बन रही है ठीक है ना अब यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है गवर्नमेंट हेल्प कर रही है गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो इनकी कॉस्ट कम होगी कॉस्ट कम होगी ठीक है इनकी कॉस्ट जो है कम होगी गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं तो कॉस्ट कम होगी है ना अब इनकी कॉस्ट कम है चाइना के अंदर अगर कोई वो सेम कार बना रहे है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी है ना चाइना के अंदर अगर कोई वो सेम कार बना रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट में जब वो कार आएगी ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर तो उनको सब चीजों के लिए पे करना पड़ रहा है इधर नहीं करना पड़ रहा तो किसकी कॉस्ट कम होगी यूएसए की कम होगी तो वो कह रहे दिस लीड्स टू अनफेयर कॉम्पिटिशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि भाई ये अलाउ नहीं करना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है फेयर कॉम्पिटिशन फेयर कंपटीशन ठीक है ना तो यहाँ पे फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा अब क्वेश्चन क्या बन सकते किसने कंप्लेंट करी किसके अगेंस्ट चाइना ने करी यूएसए के अगेंस्ट कौन सा सेक्टर ये भी आ सकता है जूलियन असांच तो देखिए जूलियन असांच को यूएसए जो है ना तो जूलियन असांज ने किया क्या जूलियन असांज ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे यूएस के वो जो पब्लिशिंग सेंसिटिव यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक इन्फॉर्मेशन ठीक है ना अब इनको यूएस से चाह रहा है कि ये यूके में भाग गए ठीक है अब यूएस से चाह रहा है कि ये वापस आए और यू चाह रहा है कि इनको ट्राई किया जाए एक्शन लिया जाए इनके अगेंस्ट U.K. court कोर्ट गिव्स वॉशिंगटन weeks वीक्स टू अशोर दैट would वुड नॉट फेस द penalty. पेनल्टी द wants to try टू ट्राई old Australian ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन ऑन obtaining, काउंट फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिशिंग सेंसिटिव अब यहाँ पर ना पहले हम लिख लेते हैं कि है क्या है, इनकी स्टोरी क्या है कहानी क्या है इनकी कहानी ये है कि यूके कोर्ट अब चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ ठीक है हम टाइमलाइन बनाते हैं इसकी टाइमलाइन से से तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा जूलियन असांज ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना अब इसके अगेंस्ट इसने किया क्या कार्यक्रम क्या लगाई ऑस्ट्रेलिया ठीक है? इसने तिकड़म ये लगाई बड़ी तिकड़म लगाई इसने, इसने तिकड़म ये लगाई जूलिया नसांज ने इसने लीग्ड लीग्ड या पब्लिशिंग पब्लिशिंग सेंसिटिव सेंसिटिव यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक इंफॉर्मेशन ठीक है ना अब इसने क्या किया सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूएस की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी तो ठीक है यूएस वाले कह रहे हैं एंड नाउ इन नाउ इन यूके ठीक है ये यूके में है और यूएसए वॉन्ट यूएसए वॉन्ट से वॉन्ट हिम टू बी एक्स्ट्रा डिटेड एक्स्ट्रा डाइटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एक्शन अगेंस्ट हिम अभी मैं समझाती हूँ ये क्या है देखो जूलियन असाज नाम का एक बंदा जो कि ऑस्ट्रेलियन है उसने यूके की यूएसए की किसकी यूएसए की मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो थी वो लीक कर दी और अब ये यूके में जाके बैठ गया अब यूके के अंदर यूएसए यूके को कह रहा है कि भैया ये बंदे को एक्स्ट्रा दे दे एक्स्ट्रा मतलब सेंड टू माई कंट्री मतलब एक कंट्री में क्राइम करके एक कंट्री में क्राइम करके बी में भाग गए तो एक कंट्री कह रही है भैया मेरे को दे दे ठीक है ना बी को कह रहे हैं मेरे को दे दे तो यहाँ पे यूएसए यूके को कह रहे है मेरे को दे दे, तो USA, को को दे, दे, दे इस बंदे को अब यूके क्या कह रहा है कि मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट उसके अंदर यूके कोर्ट गिव्स यूएसए थ्री वीक्स गिव्स यूएसए थ्री वीक्स टू अश्योर अश्योर दैट असांज वोंट फेस डेथ पेनल्टी असांज वोंट फेस डेथ पेनल्टी कि ये डेथ पेनल्टी फेस नहीं करेगा तभी हम इसको देंगे नहीं तो हम नहीं देंगे ठीक है क्या कह रहे हैं वॉन्ट फेस दैट पेनल दैट यू के कोर्ट गिव्स यू एस ए थ्री वीक्स कि तुम हमें बोल दो कि हम इसको डेथ सेंटेंस नहीं देंगे हम इसको तुम्हें दे देंगे तो ये स्टोरी समझ में आ गई कि जूलिया नसाज एक ऑस्ट्रेलियन है इसने यू एस ए की इंफॉर्मेशन लीक करी ही अब यू के में जाके बैठ गया यू के अंदर यू एस ए वाले यू के को कह रहे हैं कि तुम इसे हमें दे दो यू के वालों ने क्या कहा दे देंगे बट तुम इसको डेथ पेनल्टी मत देना मतलब तुम को जान से मत मारना तुम ये सजा नहीं दे सकते बाकी जो मर्जी दे दो ठीक है एक्सपेरिमेंट्स इन द वेटलेस इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस हैव लेड टू क्रेजी प्रोसेस इन फाइट अगेंस्ट कैंसर नासा ऑफिशियल सेड एट द रीसेंट इवेंट हाईलाइटिंग एन इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल इनिशिएटिव ऑफ यूएस प्रेजिडेंट ऑफ जो बाइडन जो यूएस प्रेजिडेंट जो बाइडन अब यहां पर नासा वाले क्या कर रहे हैं स्पेस के अंदर स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कैंसर के ऊपर ठीक है ना तो यहाँ पर फ्रैंक रूबियो एंड एस्ट्रोनॉट फिजिशियन एंड फॉर्मर मिलिट्री हेलीकॉप्टर पायलट कंडक्टेड कैंसर रिसर्च ड्यूरिंग हिज रीसेंट मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ठीक है ना सेल्स दैट एज मोर रैपिडली तो प्रोग्रेस जल्दी होता है सेल्स एज रैपिडली तो यहाँ पर नासा कंडक्टिंग 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 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस एक्सपेरिमेंट्स इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज आई एस एस टू फाइट अगेंस्ट कैंसर ठीक है ना अब इसके अंदर क्या फायदा हो रहा है फायदा क्या है इसके अंदर फायदा ये है बड़ा बड़ा कि सेल्स एज रैपिडली इज इक्वल टू इक्वल टू स्पीडिंग अप रिसर्च तो रिसर्च जो है बहुत स्पीडली होती है वहां पर क्योंकि सेल जो है वो जल्दी एज करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है दे डोंट क्लंप दे ऑल डोंट क्लंप जो कि अर्थ पे होता है तो स्पीडी वहां पर रिसर्च हो सकते है, तो नासा जो है ये कर रहा है ठीक है तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको हमसे कुछ भी बाय करना है यू कैन गो ऑन टू लॉगरी डॉट इन वहाँ पर आपको हमारे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे सिक्स टू सेवन आवर्स सेवन टू एट आवर्स में आपका फुल मंथ मैं वहाँ पे करवा देती हूँ आपका ठीक है ना आपको वहाँ पर एम मिल जाएंगे जनवरी फेबरवरी मार्च के टेस्ट अपलोड हो गए हैं मार्च के भी ठीक है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एम एस सी टी फाइव ईयर के मॉक टेस्ट हैं पी यू थ्री ईयर फाइव ईयर है ए आई एल एल ए टी है एंड बहुत जल्द सी यू टी यू जी भी आने वाला है लीगल के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं बाकी पे काम चल रहा है एंड यू विल सी द क्वेश्चन कल मिलेंगे सिक्स पी एम पे थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल एंड प्लीज डू कॉमेंट आपके कॉमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है कि हर रोज मैं क्लास ले पाऊँ बाय बाय टेक केयर